वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइन्थ इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो चैप्टर नंबर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, इन वॉट वे ईश्वरन इज एन एसेट टू महेंद्र। किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए एक एसेट है। एसेट क्या होता है? बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी संपत्ति। कैसे? अब यार समझो कि वो उसका खाना भी बनाता है। कौन? ईश्वरन महेंद्र का खाना भी बनाता है, उसके कपड़े भी धो देता है, जिस घर में वो रहता है उसकी साफ सफाई भी कर देता है, और रात को भाई उसके लिए कहानियां भी सुनाता है। जहां पे भी उसकी पोस्टिंग होती है वहां पे भी जाता है। आजकल के नौकरों के तुमने देखे होंगे कितने वो रहते हैं, टेंट्रम्स करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो महेंद्र जो है एक सचमुच में उसका एक एसेट है। तो इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे, ईश्वरन ऑलवेज अकंपनीड महेंद्र वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। ईश्वरन अकंपनी का मतलब है साथ में जाता था महेंद्र के, जहां कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहां भी उसकी कंपनी उसको भेजती थी। ही कुक्ड हिज मील्स, खाना भी बनाता था भाई उसका। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े भी धोता था। क्लीन्ड हाउस, घर भी साफ करता था, ठीक है। एंड चैटेड विद हिम एट नाइट, और रात को उसके साथ बातचीत करता था, उसको कहानियां सुनाता था। सो ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र। अब देखो, ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही उतार दिया। तो बस ये 3 लाइन में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। जो ईश्वरन एक बार उखड़े हुए पेड़ की, एक बार जब वो जा रहा था तो उसने पेड़ देखा था उखड़ा हुआ, जो जड़ से उखड़ा हुआ था, उसकी कहानी कैसे सुनाता है। वॉट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, और वो अपने लिसनर्स में क्या इफेक्ट लाना चाहता है। तो चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वो महेंद्र को कहानी सुनाता कि भाई साहब एक बार मैंने ये देखा, उखड़ा हुआ पेड़ देखा, लेकिन इसी बात को वो एक सस्पेंस और थ्रिल से सुनाता है। कहता है कि रोड सुनसान थी और मैंने देखा एक बड़े बड़े बालों वाला जानवर पड़ा हुआ है। अब यार, लेकिन पास जाके देखा तो वो तो एक पेड़ था टूटा हुआ। तो वो क्या क्रिएट करना चाहता है अपने लिसनर्स में? एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है। बस इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री इन फॉलोइंग वे। इस तरह से डिस्क्राइब करता है। क्या कहता है? द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। जो रोड था वो पूरी तरह से सुनसान था और मैं अकेला था। सडनली आई सॉ समथिंग, अचानक से मैंने कुछ देखा। दैट लुक्ड लाइक अ बुशी बीस्ट। बुशी का मतलब जिसके बड़े बड़े से बाल हो, बीस्ट का मतलब जानवर, दैत्य, जो कि रोड पे पड़ा हुआ था, लाइंग अक्रॉस द रोड, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, व्हाट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो वो अपने लिसनर में कौन सा इफेक्ट डालना चाहता है? वो चाहता है कि मेरे लिसनर्स को मजा आए, सरप्राइज हो जाए। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ सरप्राइज एंड थ्रिल इन हिज लिसनर्स। देखो ये लाइन रेड रेड वाली पूरी मैंने क्वेश्चन से उठाई है। वो चाहता है कि उसके जो लिसनर्स हैं वो सरप्राइज हो जाएं और उन्हें पूरा थ्रिल मिले। नेक्स्ट, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। वो हाथी की कहानी कैसे सुनाता है? डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसपे भरोसा किया जाए। तो चिल्ड्रन इमेजेस से समझेंगे। वो महेंद्र को बताता है कि एक बार उसके स्कूल में एक पागल हाथी आ गया था और उसने उसको भाई साहब उसके ऊपर इतनी जोर से उसके पैर में वो मारी एक लकड़ी और उसको बेहोश कर दिया वहीं के वहीं, ठीक है। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ईश्वरन सेड दैट ही वॉज स्टडिंग इन अ जूनियर स्कूल एट दैट टाइम। ईश्वरन कहता है कि उस टाइम पे वो एक जूनियर स्कूल में पढ़ रहा था। A mad elephant entered school. एक पागल हाथी उसके स्कूल कैंपस में घुस आया ग्राउंड में। He struck the elephant stone wall. और उसने एक डंडी से उसके पैर पे प्रहार किया and it fell down. और वो जो हाथी था वो वहीं के वहीं पे गिर गया। तो एक और क्वेश्चन है, क्या ये स्टोरी प्लॉजिबल लगती है? तो बस हम यहाँ पे नो लिख देंगे। नो, नहीं, द स्टोरी डज नॉट अपियर टू बी प्लॉजिबल। ये हमने पूरा यहीं से उतारा है। नहीं, इस स्टोरी पे हमें भरोसा नहीं होता, हमें लग रहा है शायद वो फेंक रहा है बड़ी बड़ी। चिल्ड्रन, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb पे। आप मुझे वहां मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं,
और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ 4,000 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक दे दो, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एबसेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। अगर आपने चिल्ड्रन ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था बार बार, ठीक है? बार बार उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो उसके पास टीवी वगैरह तो कुछ थी नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीवी की कमी उसको महसूस ही नहीं होने देता था वो ईश्वरन क्यों। चिल्ड्रन अगर आपको कभी किसी ने कहानी सुनाई हो, जो आपके घर में दादा नाना कोई भी हो, तो जो अच्छे कहानी सुनाने वाले होते हैं उनकी कहानी में बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे ये अंकल जी इन लोगों को, इन बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो ईश्वरन था वो महेंद्र को टीवी की कमी इसलिए नहीं खलने देता था क्योंकि वो खुद ही इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता था कि महेंद्र को कभी टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो इस बात का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग में भाई साहब उसे मतलब कह लो कि महारत हासिल था। दीज स्टोरीज एंटरटेन महेंद्र एट नाइट, और जब वो रात को अपने काम से वापस आता था शाम को, तो वो उसको कहानियां सुनाता था जो महेंद्र बहुत ज्यादा एंटरटेन होता था। हिज स्टोरीज वर ऑलवेज फुल ऑफ सस्पेंस, और हमेशा नई नई कहानी होती थी उसके पास जिसमें सस्पेंस होता था, थ्रिल होता था। दैट इज वाई, इसीलिए। अब ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से उतारी है। द ऑथर सेज दैट, ये देख रहे हो, द ऑथर सेज दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन, ईश्वरन सीम टू मोर देन, देख लो। तो बस हमने तीन लाइन अपनी साइड से लिखी है और तीन लाइन क्वेश्चन में से ही उतार दी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र को जब एक बार वो बताता है ईश्वरन के सर यहाँ पे तो बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, तो महेंद्र ये वाली बात कहता है, अरे पागल, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये हमारी इमेजिनेशन में जैसा हम सोचते हैं वैसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन उसके साथ चंद्रमा वाली फुल मून नाइट को क्या होता है, पूर्णिमा वाली रात को। महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, महेंद्र भूतों में कोई विश्वास नहीं करता था। ही सेज दैट दे आर फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, वो ये कहता था कि ये भूत भूत कुछ नहीं होते, ये बस आदमी की इमेजिनेशन की सोच है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम देखते हैं। बट ऑन द फुल मून नाइट ही सॉ अ डार्क फॉर्म ऑफ अ वुमन, उसने पूर्णिमा की रात को क्या देखा, एक काली काली सी आकृति देखी, मतलब एक औरत देखी, हु वॉज कैरिंग अ बंडल इन हर आर्म्स, और जो अपने हाथ में कुछ बेबी जैसा बंडल जैसा कुछ लेके जा रही थी। महेंद्र बिगेन टू स्वेट इन फियर, और भाई साहब वो इतना डर गया कि उसको डर के मारे पसीने आने लगे। लास्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। चिल्ड्रन अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो इस स्टोरी में ये दिखाया कि महेंद्र डर जाता है और भाई साहब अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, तो क्या ये स्टोरी किसी और तरीके से खत्म हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी। कैसे? द स्टोरी कुड हैव एंडेड इन दिस वे, स्टोरी इस तरह से भी खत्म हो सकती थी दैट महेंद्र वुड हैव ट्राइड टू कैच द वुमन, भाई वो जो औरत उसको दिखाई देती थी वो उसको पकड़ने की कोशिश कर सकता था। ही सॉ एंड ही वुड कम टू नो, और फिर उसको ये पता चलता दैट इट वॉज ईश्वरन हिमसेल्फ, कि भाई साहब वो औरत कोई और नहीं थी, वो ईश्वरन ही था, हु वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन महेंद्र एज डिस्गाइज, और वो महेंद्र को भेष बदल के डराने की कोशिश कर रहा था। तो ये स्टोरी नहीं है, उसने हमसे पूछा है क्या स्टोरी का कोई दूसरा अंत हो सकता है, तो इस तरह से भी स्टोरी एंड हो सकती थी। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। ईश्वरन वंस टोल्ड अ स्टोरी ऑफ एन, ईश्वरन ने एक कहानी सुनाई थी किसकी, लायन की, टाइगर की, एलिफेंट की या डॉग की। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में। प्लीज यार एक लाइक कर देना, प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना, आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।